21 जुलाई को राष्ट्रवादी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक उमेश चंद्र बनर्जी की पुण्यतिथि है। 29 दिसंबर 1844 को कलकत्ता में जन्मे बनर्जी 1864 में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। 1868 में वे कलकत्ता लौट आए और वकालत शुरू की। बैरिस्टर के रूप में उन्होंने अच्छी प्रतिष्ठा हासिल की थी। 1882 में वो स्थायी वकील के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामले में सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बचाव भी किया था। उमेश चंद्र बनर्जी दिसंबर 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के अध्यक्ष बने। अगले वर्ष दूसरे सत्र में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, बनर्जी ने सुझाव दिया कि पार्टी हर प्रांत के लिए स्थायी समिति का गठन करे। वो 1892 में इलाहाबाद में एक बार फिर पार्टी के अध्यक्ष बने। बनर्जी कुछ समय के लिए इंग्लैंड में रहे और वहाँ वकालत भी की। लिबरल पार्टी ने उन्हें ब्रिटेन की संसद के चुनाव में लड़ने के लिए टिकट दी। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन वो ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय बने। उमेश चंद्र बनर्जी का 1906 में 61 वर्ष की आयु में कलकत्ता में निधन हो गया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी जयराम दास दौलत राम को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 21 जुलाई 1891 को कराची में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। 1915 में जयराम दास महात्मा गांधी के व्यक्तिगत संपर्क में आए और उनके अनुयायी बन गए। जयराम दास ने होम रूल आंदोलन में भी भाग लिया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और 1920 में असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में एक प्रमुख कार्यकर्ता भी थे। जयराम दास 1947 में विभाजन के दौरान भारत में रहे और उन्हें बिहार का पहला भारतीय राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत की संविधान सभा में पंजाब के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1950 से 1956 तक जयराम दास ने असम के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 1 मार्च 1979 को अंतिम सांस ली। महान राष्ट्रवादी जयराम दास दौलत राम को हमारा नमन। आज हम आजाद हिंद फौज के मिजो सदस्य डार्थवमा रेंथली को भी याद कर रहे हैं, जिनकी 21 जुलाई 2019 को मृत्यु हुई थी। 1920 में पुकपुई गांव में जन्मे रेंथली ने स्वतंत्रता सेनानी बनने से पहले भारतीय सेना के मेडिकल कोर में सेवा की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें मलेशिया भेजा गया था, जहां उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन जापानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और सिंगापुर में बंदी बनाकर रखा। रेंथली की नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उस समय मुलाकात हुई थी जब वो जेल में थे। रेंथली रिहाई के बाद आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे और म्यांमार में साथी विद्रोहियों के साथ ब्रिटिश सेना से लड़े थे। हिरोशिमा और नागासाकी में बम विस्फोटों के बाद जब जापानी सेना पीछे हट गई, तो उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। अंग्रेजों ने रेंथली को ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी ठहराया और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। 2 साल बाद 1945 में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारत सरकार ने 1972 में रेंथली को ताम्र पत्र से सम्मानित किया। इस महान हस्ती ने 21 जुलाई 2019 को 99 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। भारत के वीर सपूत डार्थवमा रेंथली को हमारा सलाम।